जितने ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल थे, वो सब 20,000 प्लस के आसपास दिखा रहे थे, 20,000 के आसपास दिखा रहे थे। और अगर बात करूं सीआईडी रिपोर्ट की, तो वो भी 15,000 से ज्यादा की जीत दिखा रही थी। सीआईडी रिपोर्ट जो सरकारी तंत्र है, वो सरकारी तंत्र भी 15,000 मिनिमम, कम से कम 15,000 से जीत दिखा रहा था अभय सिंह चौटाला की। मगर सीआईडी भी फेल हुई, ओपिनियन पोल भी फेल हुए और एग्जिट पोल भी सब धराशाही हुए और जीत हुई 6,500 के आसपास की। आखिर 6,500 के आसपास की जीत का कारण क्या है? पिछली दफा 2019 से आधे पर अभय सिंह चौटाला आ गए, उसका कारण मैं बता देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर, साथ में आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। एलनाबाद उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, अभय सिंह चौटाला ने यह चुनाव जीत लिया जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी थे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा रहे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल रहे। पवन बेनीवाल की हालांकि जमानत जब्त हो गई और गोविंद कांडा की जो वोट थी वो उम्मीद से कहीं ज्यादा आई और अभय सिंह चौटाला की जितनी उम्मीद की जा रही थी चुनाव मार्जिन से जीतने की, उतनी वोट, उतना मार्जिन नहीं आया। कुछ साथियों का कहना था कि जो नतीजे आए हैं और खासकर जो भाजपा की वोट आई है, गोविंद कांडा की जो वोट आई है 60,000 के करीब, उन पर एक विश्लेषण वीडियो तैयार किया जाए। तो वही विश्लेषण आज करेंगे कि 60,000 वोट गोविंद कांडा की कैसे आई, किस आधार पर आई और क्या कारण बने कि इतनी ज्यादा वोटें उनकी आई, बल्कि माना यह जा रहा था कि इतनी वोटें नहीं आएंगी। और दो बिंदुओं पर बात करेंगे, पहला बिंदु के इनेलो का भविष्य क्या होगा और दूसरा बिंदु गोविंद कांडा या भाजपा की इतनी ज्यादा वोटें कैसे आई। मैं गोविंद कांडा के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि वो चुनाव जीत भी सकते थे, उनकी कुछ व्यक्तिगत कमियां रही, क्योंकि मैं पूरा बाय इलेक्शन कवर कर रहा था और जो मैंने देखा कि गोविंद कांडा की वहां पर तकनीकी और व्यक्तिगत कमियां रही थी, हालांकि भाजपा की नहीं थी, तो उसी पर भी, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भविष्य की, अभय सिंह चौटाला की। एक बौद्धिक तंत्र जो राजनीतिक सोच रखता है वो ये मान रहा था कि ये जो उपचुनाव है ये तय करेगा भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। मगर अभय सिंह चौटाला की जब परिणाम आने के बाद जो जीत हुई 6,739 के करीब वोटों की, उन वोटों ने कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भविष्य को लेकर, उनको कहीं ना कहीं और जटिल बनाया है, कहीं ना कहीं मुश्किल बनाया है। माना यह जा रहा था कि अगर अभय सिंह चौटाला की जीत होती है 20,000 से ज्यादा वोटों से, 30,000 के करीब, 25,000 के करीब अगर जीत होती है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर उभरेगी और मजबूती के साथ उभरेगी और जो इंडियन नेशनल लोकदल का पुराना वोट बैंक है, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूटने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस को शिफ्ट हुआ था और जो वोट बैंक जेजेपी में शिफ्ट हुआ था, अगर 20,000 प्लस अभय सिंह चौटाला की जीत होती है तो वो वोट बैंक वापस अभय सिंह चौटाला की तरफ आना शुरू कर देगा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो पहले उनका आधार था, जो पहले उनका रुतबा था, उसी रुतबे को छूने की या उसी रुतबे की तरफ जाने की कोशिश करेगी या उसी रुतबे को पाने की उम्मीद लोग लगाए थे कि अगर 20,000 प्लस से अभय सिंह चौटाला की जीत होती है तो। मगर अभय सिंह चौटाला की जीत 20,000 प्लस नहीं हुई, बल्कि पिछली दफा 11,000 कुछ से जीत हुई थी, अब की बार वो आधी रह गई, 6,700 के करीब, 6,700 के करीब वोटों की जीत यहां पर अभय सिंह चौटाला की हुई है। जो मार्जिन था वो 20,000 प्लस होना चाहिए था, जितने ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल थे, वो सब 20,000 प्लस के आसपास दिखा रहे थे, 20,000 के आसपास दिखा रहे थे। और अगर बात करूं सीआईडी रिपोर्ट की, तो वो भी 15,000 से ज्यादा की जीत दिखा रही थी। सीआईडी रिपोर्ट जो सरकारी तंत्र है, वो सरकारी तंत्र भी 15,000 मिनिमम, कम से कम
15,000 से जीत दिखा रहा था अभय सिंह चौटाला की, मगर सीआईडी भी फेल हुई, ओपिनियन पोल भी फेल हुए और एग्जिट पोल भी सब धराशाही हुए और जीत हुई 6,500 के आसपास की। आखिर 6,500 के आसपास की जीत का कारण क्या है? पिछली दफा 2019 से आधे पर अभय सिंह चौटाला आ गए, उसका कारण मैं बता देता हूं। कारण ये था कि एक तो वहां पर जो जेजेपी की टीम जो एक पैरलर लगी हुई थी समानांतर, जो बीजेपी से भी अलग थी और जो कांडा के साथ टच में थी मगर इतनी टच में नहीं थी, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। उनका मकसद एक था कि जो इनेलो का वोट बैंक है जो चौधरी देवीलाल के नाम से जुड़ा हुआ है, उसको अभय सिंह चौटाला से तोड़कर, इनेलो से तोड़कर उसको जेजेपी में लाया जाए और जेजेपी और बीजेपी और कांडा हलोपा मिलकर चुनाव लड़ ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं अजय सिंह चौटाला जो अभय चौटाला के बड़े भाई हैं और उनके बेटे दिग्विजय चौटाला और उनकी जो टीम थी वो बड़े जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग में लगी हुई थी। कुछ ऐसी बातें भी थी जो पर्दे के पीछे भी वो चला रहे थे, जैसे कि उनका अलग से पैरलर जो कैंपेनिंग चली हुई थी, जो उनकी टीम बनाई हुई थी और उस टीम को जो लीड कर रहे थे मीनू बेनीवाल, वो वहां पर जिनकी शिकायत भी की अभय सिंह चौटाला ने इलेक्शन कमीशन को। तो एक तो जो जेजेपी की टीम लगी हुई थी, पूरे नेता लगे हुए थे कि अभय सिंह चौटाला को किसी भी तरीके से हरा दिया जाए और अगर अभय सिंह चौटाला हार जाते हैं तो जो इनेलो का बचा खुचा वोट बैंक जो चौधरी देवीलाल के नाम से उनके साथ जुड़ा हुआ है वो जेजेपी की तरफ आ जाएगा, जेजेपी को मिल जाएगा। इसलिए अभय, एक कारण तो ये है कि जेजेपी जो है, अजय सिंह चौटाला जो है, दिग्विजय चौटाला और उनकी बाकी सारी टीम वो जिस तरीके से लगी हुई थी, एक कारण ये है कि जीत का अंतर अभय सिंह चौटाला की कम हो गया, क्योंकि लोगों को उन्होंने बताया कि हम भी देवीलाल के वंशज हैं और देवीलाल की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उसको तो अभय सिंह चौटाला खत्म करने में लगे हुए हैं और हम उस विचारधारा को जेजेपी के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात डालने में वो सफल भी रहे। तो एक कारण ये अभय सिंह चौटाला की जीत के मार्जिन को घटाने का। दूसरा कारण ये कि लोग कह कुछ रहे थे और सोच कुछ रहे थे, जैसा कि हमने एक स्टिंग किया था, उस स्टिंग में हमने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, इसी चैनल पर रेबल रिपोर्टर पर है, द लोकल न्यूज पर भी आप देख सकते हैं। उसमें भी कह रहे हैं सामने के वोट बिल्लू को डालेंगे, अभय सिंह को डालेंगे, मगर नीचे नीचे वोट वो कांडा की डालने की तैयारी में है। उसका जब हमने कारण पूछा कि आप सामने तो अभय सिंह चौटाला की वोट डालने की बात करते हैं मगर पीछे से आप कांडा की बात कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि देखिए, जो इनेलो का वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो दबंग है। देखिए, मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये बात पसंद ना आए, मगर सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूं, जो हमने देखा सुना वो सच मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि मैं ये नेशनल लोकदल के खिलाफ हूं। मेरा काम अपना विश्लेषण करना है, मेरा काम अपना पक्ष रखना है। आप उससे सहमत नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझ पर आरोप लगाएंगे। खैर, जिसको लगाना है वो लगाएगा, मेरा काम विश्लेषण करना है, स्वतंत्र तौर से रूप से मैं कर रहा हूं। तो उन लोगों ने बताया जिनसे बात हुई कि यहां पर जो अभय सिंह चौटाला के वर्कर हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वर्कर हैं, वो बड़े दबंग हैं। अगर हम खुलकर ये नहीं कहते कि हम वोट नहीं डालेंगे इंडियन नेशनल लोकदल को, बिल्लू को, अभय सिंह चौटाला को, तो वो शाम को हमारे पास आ जाएंगे और हमें धमकाएंगे। इसलिए हम इस डर से कहते ये हैं कि वोट बिल्लू को डालेंगे और वोट हमारी जाएंगी कांडा को। और आखिर में हुआ भी ये, क्योंकि लोग खुले तौर से कह रहे थे कि वोट अभय सिंह को डालेंगे मगर वोट डाली गई बीजेपी के प्रत्याशी को। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण जो है वो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण कारण है और बहुत सारे लोग इससे सहमत भी होंगे और असहमति भी बहुत सारे लोग असहमति भी जता सकते हैं। जरूरी नहीं हर आदमी सहमत हो, जरूरी नहीं है हर आदमी असहमत हो। तीसरा कारण यह है कि जितना विरोध हुआ, जो अभय सिंह चौटाला के पक्ष में जो विरोध हुआ, किसान आंदोलन के नाम पर जो विरोध हुआ, उसका कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को नुकसान हुआ, क्योंकि जो गैर किसान जातियां थी वो विरोध के कारण लामबद हो गई सारी की सारी, लगभग बीजेपी की तरफ, गोविंद कांडा की तरफ।
अभय सिंह चौटाला को उसका नुकसान हुआ। तीसरा कारण यह है, जितना विरोध हुआ उतना ही अभय सिंह चौटाला को नुकसान हुआ। ये तीन मुख्य कारण हैं, और भी छोटे छोटे कारण हैं, मगर मैं ये जो तीन मेजर कारण हैं, रीजन है, वो यही है कि अभय सिंह चौटाला की जीत का मार्जिन जो बढ़ना चाहिए था वो कम हो गया। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भविष्य की। इस उपचुनाव का भविष्य, इस उपचुनाव पर उनका भविष्य टिका हुआ था, इस उपचुनाव के नतीजों से उनका भविष्य क्या होगा, तो एक ही लाइन में बता देता हूं कि देखिए, अगर 20,000 प्लस अभय सिंह चौटाला की जीत होती तो 2024 में पार्टी की एक मजबूत स्थिति होती, मगर अब जो 11,000 11,500 के आसपास उनका पिछली दफा मार्जिन 2019 में था, उससे आधा घटकर 6,500 के आसपास रह गया, तो अब पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। और आगे निर्भर करता है बाकी परिस्थितियां, हरियाणा के अंदर क्या बदलती हैं, क्योंकि राजनीति परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। कल को कोई और नया मुद्दा आ जाए, नई परिस्थिति खड़ी हो जाए, तो राजनीति बदल जाती है। तो अब निर्भर करता है परिस्थितियों पर, और अथक प्रयास और बहुत संघर्ष इंडियन नेशनल लोकदल को करना होगा, अभय सिंह चौटाला को करना होगा। तो मुश्किल कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को खड़ी हुई है इस उपचुनाव के नतीजों से। हालांकि वो चुनाव जीते हैं, मगर 20,000 से प्लस से जीतते तो जो मैंने बताया कि जो उनका खोया हुआ वोट बैंक था वो उनकी तरफ आता, मगर अब उस वोट बैंक को आने में वक्त भी लग सकता है, नहीं भी आए और बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। बड़ी मेहनत का, बड़े संघर्ष का काम अब उसको वापस लाना है।